हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और सब अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल क्रिएट फ्यूचर में। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद हमारी चैनल पर वापसी हुई है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिनके चलते हम प्रेजेंट नहीं हो पाए। लगभग समस्याएँ या कुछ भी कह लीजिए समाप्त हो चुकी हैं। अब नए सिरे से अपने चैनल की दोबारा से हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आपके लिए अब तो खुशखबरी भी आ चुकी है कि UPSI और UP पुलिस दोनों भर्तियां जो लगभग सितंबर के समथिंग आनी हैं और शायद इस साल के अंत में आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगी। तो आपको अब तो जी तोड़ मेहनत में लग जाना चाहिए क्योंकि अब बहाना बनाने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि यदि इस बार मौका चूक गए तो शायद पता नहीं मौका कब मिले। तो इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाएँ और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। उसी बारे में आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने अब तक आपको 3 से 4 क्लासेस प्रोवाइड कराई थी रीजनिंग की, जिसमें हमने जब चैनल की स्टार्टिंग करी थी। बीच में हमारा गैप रहा और बहुत लंबे समय के बाद आज हमारी वापसी हुई है और हम आज से प्रयास करेंगे आगामी भर्तियों को देखते हुए कि हम आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड कराएँ। जैसा आप जानते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए आज तो हम एक डेमो के तौर पर आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। आपकी क्लासेज हम कल से स्टार्ट करें रेगुलर वे में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग के स्थान पर हम अभी आपके लिए मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड कराएं। क्योंकि मैथ्स हमारे लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि रीजनिंग एक आसान टॉपिक है जिसको हम पेपर के टाइम पर भी 1 से 1.5 महीने में विद प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स को 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर पाना और उसकी प्रैक्टिस कर पाना अपने सामने बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, कि उस सिलेबस को टाइम पर ख़त्म कराना। बेसिक अर्थमेटिक आता है, एक टॉपिक एडवांस का मेंसुरेशन आता है UPSI और UP पुलिस दोनों में, लेकिन फिर भी 12 से 13 टॉपिक्स पढ़ना 2 से 2.5 महीने में किसी के लिए भी आसान काम नहीं होता है। ना तो हमारे लिए पढ़ना आसान है, ना ही आप लोगों के लिए पढ़ना आसान होगा। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको कल से अर्थमेटिक स्टार्ट करें और मतलब एक टॉपिक स्टार्ट करें और 5 से 6 दिन में उस टॉपिक को बिल्कुल कम्प्लीट नॉलेज के साथ, जो आपके एग्जाम के लेवल से अप रहेगी, उसके साथ हम उसे कंप्लीट करते चलें और ऐसे ही हम टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे अर्थमेटिक को समाप्त कर दें जब तक हमारी भर्ती आए। सितंबर के समथिंग भर्ती आनी है, यानी 2 से 3 महीने हमारे पास है और 2 से 3 महीने में हम अर्थमेटिक कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, जब आप पढ़ेंगे जब जानेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका अर्थमेटिक की क्लास हम प्रोवाइड कराएँ ताकि आप उस मैथ्स में कॉन्फिडेंस पा सकें। क्योंकि देखिए, बिना मैथ्स के कुछ नहीं होने वाला। मानता हूँ कि एज कम्पेयर टू रीजनिंग मैथ्स का सिलेबस कम है या मैथ्स के प्रश्न कम हैं। सिलेबस कम नहीं है, प्रश्न कम है। क्योंकि सिलेबस तो अपना पूरा है, अब प्रश्न कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे भी पूरा मैथ, जिस पर नहीं आता वो भी पूरा पढ़ेगा और जिस पर आता है वो बच्चा भी पूरा पढ़ेगा। तो क्यों ना जब तक भर्ती आती है जब तक उस चीज़ को कम्प्लीट कर लिया जाए, अपनी कमजोरी पर काम कर लिया जाए। क्योंकि फतेह या सफलता जब भी मिलेगी जब आप अपनी कमजोरी को दूर कर चुके होंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको कल से अर्थमेटिक स्टार्ट करें और आपको पर डे टॉपिक वाइज एक एक क्लास या दो दो क्लास जैसा भी संभव हो पाएगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्लास प्रोवाइड करें। और ये गारंटी हमारी रहेगी कि आपको जो आपका लेवल है उससे आप ही लेकर हम चलेंगे और बिल्कुल बेसिक से जो उस टॉपिक का अल्टीमेट लेवल जिसे एडवांस लेवल बोलते हैं, हो सकता है वो मैं आपको हर क्वेश्चन करूँगा या जो एग्जाम में आ सकता है जिसकी संभावनाएँ हैं वो भी हम क्वेश्चन आपको लेकर चलेंगे। तो इसी होप के साथ हम शायद प्रयास करेंगे कि कल से हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड करें। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो उसी दिशा में मैं आज आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन लाने का मकसद कोई वैसा नहीं है कि मैं आपको कुछ वैसा दिखाना चाहता हूँ, बस मतलब ये है कि देखिए, क्वेश्चन करना आज की डेट में देखोगे तो कोई बड़ा काम नहीं है। कोई क्वेश्चन कर दे, जल्दी कर दे, देर में करे, क्वेश्चन तो सब कर रहे हैं, लेकिन सफलता जब मिलेगी जब आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम सेट कर पाएं। यानी उस क्वेश्चन का टाइमिंग कितनी लगनी चाहिए। आप सपोज कीजिए मेरे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ आप इसे 2 मिनट में कर पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन मात्र 20 सेकंड का है, 15 सेकंड का है। आपने क्वेश्चन तो किया लेकिन आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि सफलता उसी कैंडिडेट को मिलेगी जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट रखेगा। बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वही पुराने तरीके। यदि आप पुराने तरीकों पर काम करते रहे तो रिजल्ट भी पुराना वाला ही रहेगा जो आज तक आपको मिलता आया है। आप चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते और जब तक चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई, मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न टेक्निक अपनानी पड़ेगी। पुराने तरीकों में उलझे रहोगे तो सवाल ही करते रहोगे, सिलेक्शन होगा नहीं और पढ़ते रहोगे, मेहनत बेकार जाती रहेगी। मेहनत भी तभी कामयाब होगी स्मार्ट वे में जब काम करोगे। क्योंकि
अगर सब कुछ पढ़ना है या बिल्कुल बेसिक से समझना है तो टीचर वगैरह तो बन जाओगे, लेकिन कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एग्जाम क्वालिफाई वही कैंडिडेट करेगा जो स्मार्ट टेक्निक को अपनाएगा। देखिए चलिए इस सवाल में देखते हैं कि हम कैसे स्मार्ट टेक्निक अपना सकते हैं, और आप भी इस क्वेश्चन को कर कर देखना कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप इस क्वेश्चन को यदि कर रहे होते तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हमारा क्वेश्चन यह है कि मैं आपको बोल देता हूँ कि एक व्यक्ति एक वस्तु पर तीन क्रमांक तक डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट 5%, दूसरा 10% और तीसरा 15%। इन तीन डिस्काउंटों को देने के बाद भी क्रय मूल्य पर वह 40% लाभ प्राप्त करता है। अब उसने बोला है यदि ये 15% का डिस्काउंट नहीं दे, यानी यदि वो केवल 5% और 10% की छूट दे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक साधारण भाषा में फिर एक बार समझा देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उस प्रोडक्ट पर वो तीन लगातार डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट 5%, दूसरा डिस्काउंट 10%, तीसरा डिस्काउंट 15%। और ऐसा देने के बाद जब वो बेच रहा है तो उसे 40% का तब भी लाभ है। अब किसी ने बोला कि भाई आप दो ही डिस्काउंट दो, 5% का, 10% का, 15% का मत दो, तो उस दिशा में आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पहले 40% हो रहा था, 40 से ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा कितना होगा वो आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो आप कर कर देखिए और फिर मैं आपके लिए बताता हूँ। चलिए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे तीन डिस्काउंट हैं। पहला डिस्काउंट हमारा 5% है, दूसरा डिस्काउंट हमारा 10% है और तीसरा डिस्काउंट हमारा 15% है। इस डिस्काउंट के बाद हमने वस्तु को बेच दिया। सीधी सी बात है, इस डिस्काउंट के बाद हमने वस्तु को बेच दिया और हमें ऐसा करने पर 40% का लाभ हुआ है क्रय मूल्य पर। यदि मैं आपसे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछता हूँ कि भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 2/5। उसने बोला है सीपी पर आपको 40% का लाभ हुआ है, यानी आप क्या कहेंगे, यदि हमारा 5 सीपी है तो 2 का हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मैं पूछ सकता हूँ तो आपका एसपी कितना रहा होगा, आप कहेंगे SP 7 रहा होगा। यदि 5 आपका सीपी है, सीपी यानी खरीदना, आपने 5 रुपये की खरीदी, 2 रुपये का आपने प्रॉफिट लेकर बेच दी, तो आप कितने की बेचेंगे, 7 रुपये की। तो मैं कह सकता हूँ इस 15% के डिस्काउंट के बाद जब मैंने वस्तु बेची, तो मैं कह सकता हूँ यदि उस वस्तु के लिए मेरा सीपी 5 था तो मेरा एसपी जो रहा होगा वो 7 रहा होगा। इस डिस्काउंट के बाद मेरी 5 रुपये की चीज़ 7 रुपये, इस डिस्काउंट देने के बाद मेरी यहाँ चीज़ बिकी 7 रुपये की और वो मेरी चीज़ थी 5 रुपये की। 5 रुपये की चीज़ 7 रुपये में बिच गई, इसका मतलब मुझे 40% का ओवरऑल प्रॉफिट हो चुका है, मुझे 40% का ओवरऑल प्रॉफिट हो चुका है। अब दुकानदार ने बोला या किसी कैंडिडेट ने बोला है कि सर आप इस डिस्काउंट को दीजिए मत, आप इस डिस्काउंट को मत दीजिए, केवल ये 2 डिस्काउंट दीजिए, 5% और 10%, जब बताइए आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आप एक चीज़ बताइए, ये जो 15% डिस्काउंट दे रहे थे, देखिए 10% देने के बाद जो कीमत बची हुई होगी, 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बची थी, आप उस पर 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। यदि मैं 15% की आपसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछता हूँ, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछता हूँ, तो आप कहेंगे 3/20, यानी आप कहेंगे यदि उस चीज़ की यहाँ पर प्राइस जो था इस डिस्काउंट देने के बाद, उस चीज़ का यदि प्राइस 20 रुपये था, तो आपने 20 पर फिर 3 का डिस्काउंट दे दिया। यदि 10% डिस्काउंट देने के बाद उस चीज़ का प्राइस 20 रुपये था, आपने फिर 20 पर 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो मैंने वस्तु देखी है, यदि उसका 20 रुपये कीमत थी, तो उस पर मैंने 3 का डिस्काउंट देने के बाद उसे 17 रुपये में बेच दिया सेलिंग प्राइस। बताइए सुन नोट आई बात समझ में। देखिए समझा रहा हूँ, समझाने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन मात्र 15 से 20 सेकेंड का है। अगर आपके लिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना हमारे लिए या जो बच्चा जानता है उसके लिए मात्र 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे स्मार्ट तरीके अपनाइए जब ही सफलता मिलेगी, या आपके पास कोई अच्छा तरीका हो तो बच्चों को सिखाइए, इससे भी अच्छा तरीका हो तो हमें प्रोवाइड कराइए ताकि हम भी सीख सकें। क्योंकि एक टीचर कभी भी, या मैं कहूँ एक स्टूडेंट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। हमें अपनी जर्नी में बहुत चीज़ें सीखनी होती है। मैं कहूँ मैं कंप्लीट हूँ तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात होगी, क्योंकि हम धीरे धीरे ही चीज़ों को सीखते हैं। चलिए फिर दोबारा शुरुआत करते हैं। मैंने कहा 5%, 10% और 15% का डिस्काउंट दिया। ऐसा करने के बाद मेरी चीज़ मेरे 40% का प्रॉफिट हुआ, यानी मैं कह सकता हूँ 5 रुपये की चीज़ 7 रुपये में बेच गई। 5 रुपये की चीज़ 7 रुपये में बेच दी, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो डिस्काउंट था 15% का, यानी इस डिस्काउंट के बाद जो कीमत रही होगी उस पर 15% डिस्काउंट दिया गया है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। यदि यहाँ कीमत 20 थी तो 20 पर आपने 3 का डिस्काउंट दे दिया, यानी वो चीज़ 17 में बेच दी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ऊपर सेलिंग प्राइस 7 है, नीचे सेलिंग प्राइस 17 है, ये कैसे हो सकता है, एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस कैसे अलग हो सकता है। तो आप इसे इक्वल करेंगे। अब 7 और 17 को इक्वल करने के लिए आप ऊपर तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली जो फ्रैक्शन है उसमें आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप ऊपर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, 17/5, एसपी 17/7 119, और ये वाली जो कीमत थी 220/7, ठीक है। ये आपकी चीज़ें समझ में आई, सीपी एसपी समझ में आया।
अब दुकानदार ने बोला है कि आप इस डिस्काउंट को मत दीजिए, ठीक है, यानी जी जो चीज़ आप 20 रुपये की 20 रुपये की चीज़ आप 17 में बेच रहे थे, यदि डिस्काउंट मैं नहीं दूंगा, भाई 20 रुपये की चीज़ थी मेरी, मैं 17 रुपये में बेच रहा था, डिस्काउंट देने के बाद मैं यहाँ बेच रहा था, यदि मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो यहीं बेच दूंगा। बताइए, मैंने कहा 20 रुपये की चीज़ थी, 15% का डिस्काउंट दिया तो मैंने 17 की बेच दी। अब कोई व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि आप 15% डिस्काउंट मत दीजिए, तो डिस्काउंट देने के बाद मैं यहाँ बेच रहा था, यदि मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो यहीं की ही बेच दूंगा, तो उस कंडीशन में मेरा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये हो जाएगा 20×7, उस कंडीशन में मेरा सेलिंग प्राइस 20×7 हो जाएगा, यानी ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा मेरे लिए और मेरे लिए CPA रहा होगा। यदि मैं 15% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को बेचता हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस ये होता है, क्योंकि मैं 20 की चीज़ पर 3 का डिस्काउंट देकर यहाँ पर बेच रहा हूँ। यदि मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो सीधी सी बात है यहीं पर बेच दूंगा, और जिस चीज़ पर बेचूंगा वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा, यानी ये मेरे लिए सेलिंग प्राइस बन गया, जब मैं 15% का डिस्काउंट नहीं दूंगा और ये मेरे लिए CP था। अब पूछ रहा है कि आप बताइए आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। आप देखेंगे 5 से 4 बार कट गया, यानी आप देखेंगे 17 मेरे लिए CP है और 4 से 28 मेरे लिए SP है। आप देखेंगे 17 और 28 में कितने का गैप है, आप देखेंगे 17 और 28 में कितने का गैप है, यानी आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। 17 रुपये की चीज़ आप 28 रुपये में बेच रहे हैं तो सीधी सी बात है 8×3 = 11 रुपये का आपको प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा CP पर होगा जब तक सवाल में SP पर ना बोला जाए। 11 का लाभ 17 पर आप इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1100 बटे 17। और जब आप इसे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे सत्रह से जब इसे आप भाग करेंगे 110 में 17 छिक्का 102 बच्चा 8 हो गया 80, तो 17 चौका 68 बचे 12, लगा दिया दशमलव बढ़ गई 0 120, 17 सत्ते 119 लगभग 64.7% का आपको लाभ होगा। जो लाभ आपको 40% का हो रहा था वो लाभ अब आपका बढ़कर 64.7% हो गया, क्योंकि आपने 15% का डिस्काउंट खत्म कर दिया। आई चीज समझ में, एक बार दोबारा फास्ट वे में समझाता हूँ। हमने कहा एक वस्तु थी 5%, 10% और 15%, 3 डिस्काउंट देने के बाद हमने बेची तो ऐसा हुआ हमें वस्तु पर 40% का प्रॉफिट हुआ, यानी 15% डिस्काउंट के बाद मैं यहाँ पर किसी चीज़ को बेच रहा था तो मैंने कहा मेरी चीज़ 5 रुपये से 7 रुपये में बेच रही थी, क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो था 40% था। और मैंने कहा जब मैंने हाँ वस्तु 10% डिस्काउंट के बाद 15% डिस्काउंट दिया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यदि इस डिस्काउंट के बाद उस वस्तु की कीमत 20 रुपये थी तो मैंने 15% यानी 3/20 का डिस्काउंट देने के बाद उसे 17 रुपये में बेचा होगा। ऊपर सेलिंग प्राइस 7 है, नीचे सेलिंग प्राइस 17 है, मैंने इक्वल कर दिया, ऊपर 17 की मल्टीप्लाई करी, नीचे 7 की मल्टीप्लाई करी, तो 17 की मल्टीप्लाई जो 5 में होगी तो 85 हो जाएगा, 17 की मल्टीप्लाई 7 में होगी 119 हो जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई 7 में होगी क्योंकि इस वाली फ्रैक्शन में 7 की मल्टीप्लाई हुई है, तो 20×7 ये हो जाएगा, ठीक है। अब किसी ने बोला कि आप इस 15% डिस्काउंट को नहीं दें, आप बताइए जब मैं 15% डिस्काउंट दे रहा था तो 20 रुपये की चीज़ 17 रुपये में यहाँ बेच रहा था, ठीक है, जब मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो सीधी सी बात है मैं यहीं पर वस्तु को बेच दूंगा और जहाँ पर बेचूंगा वो मेरा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, यानी 20×7 अब मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा और CP मेरा 17×5 था। आप देखेंगे 17 रुपये की चीज़ 28 में बेच दी, 11 का लाभ हुआ 17 पर, तो 100% यानी 64.7%, ये इस सवाल का बेस्ट वे था, क्योंकि यदि आप इसे नॉर्मल तरीकों से सवाल करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट कितना सवाल टाइम ले जाए, या आप इसे एग्जाम में छोड़ ही देंगे क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव सवाल आया था, आप हम पर हुआ इसलिए नहीं क्योंकि आपको स्मार्ट अप्रोच नहीं पता, आपको स्मार्ट अप्रोच सीखनी है तो आपको स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, पढ़ने के उस पैटर्न को बदलना पड़ेगा। समझाने में टाइम लगा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 10 से 15 लास्ट कह सकता हूँ 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है जिसे आप 1 या 2 मिनट में कर रहे थे। आप घर प्रयास कर देखना इस तरीके के अलावा, आप इस क्वेश्चन को कर देखना और जब हमें बताना कि आप इस क्वेश्चन को कितने समय में कर पा रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। देखिए, यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, मैं तो आपसे फिर यही कहूँगा कि प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैं जितना कर सकता हूँ आपके लिए हर संभव प्रयास करूँगा, तो हम प्रयास करेंगे कल से आपकी क्लासेस जो हैं वो हम रेगुलर वे में टॉपिक वाइज स्टार्ट करें। आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं वो कमेंट में सुझाव दीजिए, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए ताकि हम उस पर काम कर सकें, आपके लिए काम कर सकें। तो चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ कि हम कल से आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे टॉपिक वाइज, उम्मीद तो यही है, पूरा प्रयास भी किया जाएगा कि कल से आपके लिए रेगुलर टॉपिक वाइज हम क्लास प्रोवाइड कराएँ ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।